नमस्कार मित्रों, हूँ निकुंज गोड़ेश्वर। आप सर्व विद्यार्थी मित्रों एजुसफर परिवार में हार्दिक स्वागत करू छू। मित्रों, जॉब्स, जीके, करंट अफेर, एज्युकेशन न्यूज़ना तमाम अपडेट मेळववा माटे आप प्ले स्टोर खोलो। प्ले स्टोर में जाई सर्च बॉक्स में EduSafar लखी सर्च करो। पहली जी एप्लिकेशन आवशे एने आप इंस्टॉल करो। इंस्टॉल कर्या पछी ओपन करो अने एनी अंदर तमाम जॉब्स, जीके, न्यूज, करंट अफेर्स, वीडियो, टेक्नोलॉजी, माध्यमिक, प्राथमिक ने लगतुं मटेरियल आप मेळवी शको छो आपना मोबाइल में। ये आजनो आपणो मुद्दो छे सूर्यघात पर असर करता परिबळो। तो सौथी पहेला आजना लेक्चर में आपणे ए समजवाना छे के सूर्यघात एटले शुं। तो जो सौथी पहेला आपणे भणवुं होय तो आपणे पहेलुं थोडुंक बेसिक जे माहिती छे सूर्य विषे ए आपणे थोड़ी मेळवी लईए के पृथ्वीनी जे सपाटी छे अथवा पृथ्वीनुं जे वातावरण छे, आ पृथ्वीना वातावरणने जे गरमी मळे छे ए आपणे सौ जाणीए छे ए क्यांथी मळे छे। तो के एनो मुख्य जे स्त्रोत छे गरमी मेळववा माटेनो ए छे सूर्य। आ जे सूर्य छे एनामांथी आपणी पृथ्वीने गरमी मुख्यत्वे प्राप्त थाय छे अने एना सूर्य अने पृथ्वीनुं अंतर जे छे आ अंतर लगभग 15 करोड़ किलोमीटर जेटलू छे। आ खास याद राखजो के सूर्य अने पृथ्वी वच्चेनुं अंतर केटलू छे एवुं एग्जाम में MCQ फॉर्म में पूछाई सके। तो 15 करोड़ किलोमीटर जेटलू सूर्य अने पृथ्वी वच्चेनुं अंतर छे। आटलू अंतर होवा छतां आ जे सूर्य छे ए पृथ्वीने निरंतर गरमी मळ्या राखे छे, पृथ्वीने अथवा सूर्य ऊर्जा मळ्या राखे छे। हवे आपणने एवो विचार आवे के जे आ सूर्य छे त्याथी आपने निरंतर ऊर्जा प्राप्त थाय छे। तो आ ऊर्जा आवे छे क्यांथी? तो एनो जवाब ए छे के त्या सूर्य में निरंतर रीते नाभिकीय प्रक्रिया थाय छे। नाभिकीय संलयननी प्रक्रिया थवाथी त्या ऊर्जा उत्पन्न थाय छे अने आ जे ऊर्जा छे ए सूर्यनी फरते फेंकाय छे। एने फरती बाजू आ सूर्य ऊर्जा फेंके छे अने एमांथी आपणी जे पृथ्वी छे, आपणो जे ग्रह छे पृथ्वी अर्थ, त्यां आपणे गरमी रूपे आ ऊर्जा प्राप्त थाय छे। पछी सूर्यनु तापमान केटलुं छे? तो के सूर्यनु जे सपाटी परनु तापमान, सूर्यनु सपाटी परनु तापमान जे छे ए लगभग 6000 अंश सेल्सियस जेटलुं छे अने जे केंद्र छे सूर्यनु त्यां नाभिकीय संलयन प्रक्रिया थाय छे। तो एनु जे तापमान जे खूब ऊंचू छे लगभग 1.5 करोड़ अंश सेल्सियस जेटलू छे। एटले आपणे एमांथी निरंतर रूपे ऊर्जा मळ्या राखे छे। अने एवुं पण आपणे आगळ भण्या हता ज्यारे आपणे सूर्य मंडल ज्यारे मैं तमने भणाव्युं एमां आपणे सूर्य विषे चर्चा करी हती त्यारे आपणे आ मुद्दो पण भण्या हता के लगभग आपणी जे पृथ्वी छे एमने सूर्य तरफथी जे गरमी मळे छे आ गरमी छे ए लगभग सूर्यमां जेटली गरमी बहार फेंकाय छे एनो 2 अबजमो भाग मळे छे। तमे विचार करो, 2 अबजमो, मात्र 2 अबजमो भाग आपणे मळे छे तो पण आपणे आटली बधी सूर्य ऊर्जा आपणी पृथ्वी उपर पहोंचे छे। एनुं कारण ए छे के सूर्य खूब ज गरम छे। धगधग तो एक वायुनो गोळो छे एवुं पण आपणे कही सकीए के एटलुं बधुं एमां गरमी छे। 1.5 करोड़ अंश सेल्सियस जेटली एना केंद्रमा गरमी छे अने एनुं जे सपाटीनुं तापमान छे ए 6000 अंश सेल्सियस जेटलू छे, जेना कारणे सूर्य उपरथी निरंतर आपणे सोलार पवनो जे कहेवाय एनाथी आपणे निरंतर गरमीनो अहसास थाय राखे छे पृथ्वी उपर अने मात्र 2 अबजमो भाग मळे छे तो पण आपणे अत्યારે अनुभव करीए छीए के विषुववृत्त होय त्यां કેટલું બધું ઊંચું તાપમાન આપણને જોવા મળે છે। 40, 42 કે 45 અંશ સેલ્સિયસ જેટલું આપણને તાપમાન જોવા મળે છે। તો હવે આપણી વ્યાખ્યા અહીંયાથી શરૂઆત થાય છે કે સૂર્યઘાત એટલે શું? તો એનો એકમાત્ર એટલો જવાબ છે, તમારે એટલું જ યાદ રાખવાનું કે સૂર્ય છે એના તરફથી આપણા જે વાતાવરણ છે આ વાતાવરણને મળતી ગરમી અથવા સૂર્ય ઊર્જાને અથવા ઉષ્મા શક્તિને सूर्यघात तरीके ओळखवामां आवे छे, सूर्यघात कहे छे। तो इन शोर्ट आपणे एटली व्याख्या याद राखवानी छे के वातावरणमां जे आपणे गरमी मळे अथवा जे आपणे उष्मा शक्ति प्राप्त थाय छे सूर्य तरफथी एने सूर्यघात तरीके ओळखवामां आवे छे। अने आ जे सूर्यघात छे एने 1 मीटरथी मपाय छे। ए मीटरनुं नाम छे पायरेनोमीटर। तो आ पण तमे खास याद राखजो के सूर्यघात मापवा माटेनो एक जे मीटर छे एने पायरेनोमीटर तरीके ओळखवामां आवे छे। अने आ जे सूर्यघात पायरेनोमीटर मापाय छे एनो जे एकम छे ए छे कैलोरी प्रति मिनिट प्रति चौरस सेमी। आ एमनो एकम छे कैलोरी प्रति मिनिट प्रति चौरस सेंटीमीटर। आ सूर्यघातनो एकम छे अने एने पायरेनोमीटर तरीके मापवामां एने पायरेनोमीटर थी मापवामां आवे छे। हवे आपणे भणीए, जो आ एक आकृति छे एना द्वारा मैं समजावવાની તમને कोशिश करूं छूं। का एक फोटा उपरथी तमे समझी सको छो के आ आपणी पृथ्वी छे अने आ जे पीला कलरनो जे तमने गोळो देखाय छे धगधगता वायुनो ए छे सूर्य अने एना तरफथी आ एरा जे बतावेला छे पीला એ છે સૂર્ય કિરણો। આ જે સૂર્ય કિરણો છે એનાથી આપણી પૃથ્વીને જે આપણા વાતાવરણને જે ગરમી મળે છે એને જ સૂર્યઘાત તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અને એને ઇંગ્લિશમાં કહેવામાં આવે છે ઇન્સોલ્યુલેશન। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ કે જે સૂર્યઘાત છે એમનું વિતરણ થાય એના ઉપર કયા કયા પરિબળો અસર કરે છે, તો એના ઉપર અસર કરતા પરિબળો વિશે પણ હવે આપણે એક એક ડીપમાં ચર્ચા કરવાના છીએ। તો અમુક એવા ક્ષેત્રો છે પૃથ્વી ઉપર જ્યાં સૂર્યઘાત ઓછો મળે એટલે કે સૂર્યની ગરમી ઓછી મળે, અને અમુક એવા ક્ષેત્રો છે કે ત્યાં સૂર્યઘાત વધારે મળે अथवा सूर्यनी गर्मी वधारे मळे एवुं आपणे कही सके। तो एना उपर क्या क्या परिबळो असर करता होय छे एनी हवे आपणे चर्चा करीए। जो जो आ फोटोग्राफ छे एमां तमे जोई शको छो के विषुववृत्त जे छे पृथ्वीनो वच्चेनो जे पट्टो 0° अक्षांश, जो आ पीला कलरनो जे हुं पट्टो दोरू छुं त्यां विषुववृत्त आवेली छे, एनो आजुबाजुनो जे प्रदेश छे त्यां वधारे प्रमाणमां सूर्यघात मळे छे। अने जे आ ध्रुवीय प्रदेश है जो ऊपर 90° और नीचे 90° आजूबाजू अक्षांश 90° अक्षांश आजूबाजू त्यां छे सूर्यघात ओछा मळे छे। एनुं कारण शुं छे तो के आ जे ध्रुवीय प्रदेश है जो हूँ राउंड करूँ छूँ ए अने आ नीचेनो जे ध्रुवीय प्रदेश है ए सूर्यथी थोड़ा दूर है अने जे आ वच्चे जे विषुववृत्तनो पट्टो है त्यां वधारे प्रमाणमां सूर्यघात मळे छे, कारण के त्यां सूर्यना किरणों सीधा पड़े छे अने जे आ ध्रुवीय प्रदेश है त्यां सूर्यना किरणों त्रासा पड़े छे। तो आना कारणे सूर्यघात एक जग्याए त्रासा पड़े छे तो त्यां ओछो मळे छे अने सीधा सूर्यना किरणों आवे छे तो त्यां सूर्यघात वधारे मळे छे। हवे आपणे जोईए के आ जेटला जेटला जो आ परिबळो में अहींया लख्या छे के सूर्यना किरणोनी जे कोणीय लंबाई छे ए पण गरमी मेळववामां जे वितरण थाय छे एना उपर असर करे, पछी दिवसनी लंबाई पण असर करती होय छे, वातावरणनी घनता अने ऊंचाई छे ए पण सूर्यघात उपर असर करे छे। जमीन अने पाणी आ बंने जे जमीन अने पाणी छे ए पण सूर्यनी गरमी केटला प्रमाणमां मळे छे अने केटलो सूर्यघात ए शोषण करे छे एना उपर असर करे छे। पछी सूर्यकलंकोनुं प्रमाण ए पण सूर्यघातनी वहेंचणी उपर असर करे छे। तो हवे आपणे एक एक समजीए। सौथी पहेलुं छे सूर्यना किरणोनी कोणीय लंबाई। तो सौथी पहेला आपणे ए जाणी लઈએ કે જે આપણી પૃથ્વી છે એ ગોળાકાર છે, લગભગ ગોળાકાર જેવો એનો શેપ છે, તેથી ત્યાં જે સૂર્યઘાત મળે છે એ બધા જ ક્ષેત્રોમાં સમાન નથી। એનું કારણ એ છે કે પૃથ્વી છે એ ગોળાકાર છે, આવી રીતના પૃથ્વી ગોળાકાર છે તો અહીંયા પણ સૂર્યઘાત જે મળે એ અહીંયા જે મળે એ અને અહીંયા જે મળે એ સમાન નથી। હવે એ સમાન નથી તો એનું કારણ શું છે એ આપણે જોઈએ। તો એનું કારણ માત્ર એટલું છે કે જુદા જુદા અક્ષાંશો, जो जुदा जुदा अक्षांश है त्या सूर्यघात जुदो जुदो मळे छे। हवे एनी उपर आपणे वात करीए अक्षांश उपर। जो जे उष्णकटिबंध छे एटले के 0° अक्षांशनी आजूबाजू तो त्यां सूर्यना जे किरणों छे आ सूर्यना किरणों सीधा पड़े छे, आ सूर्यना किरणों सीधा पड़ता होवाथी त्यां सूर्यघात वधारे मळे छे। आ तमने समजाई गयुं के 0° अक्षांश छे त्यां सूर्यना किरणों सीधा पड़े छे एटले त्यां सूर्यनी जे गरमी छे सूर्यनी उष्मा ऊर्जा छे अथवा सूर्यघात है ये वधारे प्रमाण में मळे छे। अने अक्षांशथी आपणे जेम दूर जाइए एटले के ध्रुवीय प्रदेश तरफ आपणे जाइए त्यां जे सूर्यना किरणों छे ए सूर्यना किरणों त्यां त्रासा पड़े छे। आ सूर्यना किरणों त्रासा पड़वाना कारणे त्यां सूर्यघात जे छे ए ओछो प्राप्त थाय छे अथवा सूर्यनी जे उष्मा शक्ति छे ए ओछी मळे छे एवुं आपणे कही सके। तो आ अक्षांश पण एक अगत्यनुं कारण छे। पछी पर्वतीय जे ढोळाव आवेला होय एमनी एक साइड उपर वधारे सूर्यना किरणों पड़े, तो कई बाजू तो के जे साइड अथवा जे बाजू सूर्यनी सामे होय अने सूर्यनी विरुद्ध दिशामां जे बाजू होय त्यां सूर्यना किरणों न मळे एटला माटे त्यां सूर्यघात ओछो मळे अथवा गरमी ओછી होय छे, उष्मा शक्ति ओछी प्राप्त थाय। पण जे सूर्यनी डायरेक्ट सामेनी बाजू होय त्यां सूर्यनुं जे गरमी छे ए वधारे प्रमाणमां प्राप्त थती होय छे। तो आ पर्वतीय ढोळाव जे छे ए पण असर करे छे। पछी जे बीजू परिबळ छे ए छे दिवसनी लंबाई। तो आपणे एवुं कही सकीए के सूर्यना प्रकाशनो समयगाळो ए सूर्यघात पर सीधी असर करे छे। हवे आपणे समजीए के ज्यां दिवसनी लंबाई वधारे होय त्यां सूर्यघातनुं प्रमाण वधारे अने ज्यां दिवस टूंको होय त्यां सूर्यनो प्रकाश छे जे ए ओछो मळे एटले के सूर्यघातनुं प्रमाण ओछुं होय। आ रीतना सूर्यघात पर दिवसनी लंबाई पण असर करे छे ए पण आपणे कही सके। हवे आनुं आपणे एक्झाम्पल लेवुं होय, फॉर एक्झाम्पल आपणे कही सके के उनाळाना जे दिवसो छे त्यारे सूर्यघात वधारे होय वधारे मळे अने शियाळामां ओछो मळे। आ बहु सहेलो टॉपिक छे पण मात्र आपणे बधा उदाहरणो याद राखवाना छे जेथी करीने ट्विस्ट करीने एक्झाममां पूछाय तो आपणे फटाफट आंसर आपी सके के दिवसनी लंबाई छे ए पण सूर्यघात पर असर करती होय छे एटले के जेम दिवस टूंको एम सूर्यघात ओछो ઓછો પ્રાપ્ત થાય અને દિવસ જેમ લાંબો એટલે કે સૂર્ય જેટલો વધારે ચમકે આકાશમાં એમ આપણને સૂર્યનો જે પ્રકાશ છે સૂર્યની જે ગરમી છે એ વધારે મળે એટલે કે ઉનાળામાં દિવસોમાં સૂર્યઘાત વધારે મળે કારણ કે ત્યારે સૂર્ય વધારે સમયમાં ચમકતો હોય છે આકાશમાં અને શિયાળાના જે દિવસો છે દિવસ નાનો હોય છે તો સૂર્યઘાત આપણને ઓછો મળે છે આમ દિવસની લંબાઈ પણ સૂર્યઘાત ઉપર અસર કરે છે। પછી જે ત્રીજું પરિબળ છે એ છે વાતાવરણની ઘનતા અને ઊંચાઈ। તો આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે જે સૂર્ય છે ત્યાંથી જે કિરણો આવે આ કિરણો છે એ વાતાવરણમાંથી પસાર થઈને આવે। હવે જ્યારે એ વાતાવરણમાંથી પસાર થઈને આવે છે પૃથ્વી ઉપર ત્યારે આ કિરણોમાંથી અમુક ટકા એટલે અંદાજિત આપણે કહી શકીએ કે 40 થી 50% જેટલા જે સૂર્યઘાત છે અથવા સૂર્યની ગરમી છે ये वातावरण द्वारा शोषाई जाय छे। आपणे समज्या के वातावरणमांथी ज्यारे सूर्यनो प्रकाश पसार थईने पृथ्वी उपर आवे त्यारे अमुक टका जे छे गरमी अंदाजे 40 થી 50% जे गरमी छे सूर्यनी अथवा सूर्यघात छे ये वातावरण द्वारा शोषाई जाय छे। तो हवे आ शोषाई जाय क्यारे तो के ज्यारे वातावरण जे छे ए वधारे घट होय तो सूर्यघात, ज्यारे वातावरण वधारे घट होय तो सूर्यघात वधारे प्रमाण में शोषाई जाय छे, वधारे प्रमाण में सूर्यना किरणों शोषाय छे अने ज्यारे वातावरण पातळुं होय अथवा स्वच्छ होय त्यारे जे सूर्यघात होय छे ए ओछुं एनुं शोषण थाय, सूर्यघातनुं ओछुं शोषण थाय एटले सूर्यघात वधारे आपणने मळे। एटला माटे ज आपणे सौ जाणीए छीए के विषुववृत्त जे छे त्यां सूर्य नी गर्मी वधारे मळे छे कारण के त्यां वातावरण पातळू छे अने बीजू जे छे ध्रुवीय प्रदेश त्यां सूर्य नी गर्मी ओछी मळे कारण के त्यां वातावरण जे छे ए वधारे घट होय छे अने त्यां सूर्यना जे किरणों छे ए त्रासा पड़ता होय छे। तो आ एनुं कारण छे त्यां ओछी गर्मी प्राप्त थाय अथवा ओछी उष्मा शक्ति प्राप्त थाय एमनुं। एटला माटे एक आपणे अहींया सूत्र याद राखवानुं छे के ज्यारे आपणे विषुववृत्तथी ध्रुवीय प्रदेश तरफ जईए त्यारे सूर्यघात जे छे आ सूर्यघातनुं प्रमाण घटतुं जाय छे। आ खास याद राखजो, आना उपरथी एमसीक्यू एकवार यूपीएससी नी एक्जाम मां पण पूछाई गेलो छे के त्रण ऑप्शन आप्या हता के वातावरणथी जे असर करे छे सूर्यघात एना उपरथी एना कंटेस्टमां आ क्वेश्चन पूछाणो हतो के सूर्यघातनुं प्रमाण जेम आपणे विषुववृत्ति ध्रुवीय तरफ जईए एम वधे छे, घटे छे, समान रहे छे, आवी रीतना क्वेश्चन पूछाणो हतो। तो आ हजी पण क्वेश्चन रिपीट थाय एवी शक्यता छे कारण के आमां आपणे कन्फ्यूज थई जाय के विषुववृत्ति आपणे ध्रुवीय तरफ जाए तो वातावरणमां सूर्यघातनुं प्रमाण घटे छे, वधे छे, शुं थाय? तो खास याद राखवानुं के जेम जेम आपणे ध्रुवीय प्रदेश तरफ जईए एम सूर्यघातनुं प्रमाण घटतुं जाय छे कारण के त्यां सूर्यना किरणों त्रासा पड़ता जाय छे अने विषुववृत्तमां सूर्यना किरणों सीधा पड़े छे एटले त्यां गरमी वधारे मळे छे आपणने। आ उपरांत वातावरणमां जे वादळो आवेला होय पछी जे रजकणो होय एमनी असर पण सूर्यघात पर जोवा मळे छे। त्यार पछी आपणे जोईए जो पहेलुं छे पाणी अने बीजुं जमीन। जो आ बंनेनो पदार्थ भेद छे, पाणी पण अलग छे अने जमीन पण अलग छे, बंने पदार्थ अलग अलग छे, एक छे प्रवाही छे अने एक छे जमीन, एक घन छे। तो पाणी प्रवाही होवाना कारणे एमनी सूर्यनी जे गरमी छे ए प्रवाहो मोजा भरतीओट वगैरे मोटा जथामां वहेंचाई जाय छे एटले के आनो जे सूर्यघात मळे छे ए पाणीना मोजा भरती आ बधामां वहेंचाई जाय छे कारण के ए प्रवाही छे अने सामे जमीन छे ए सूर्यघात त्यां वहेंचातो नथी एटले जमीन झड़पथी गरम थई जाय छे अने पाणी धीमे धीमे गरम थाय छे। एनुं कारण ए छे के पाणी पारदर्शक छे। हवे पारदर्शक होवाथी अंदर सुधी जे सूर्यनी गरमी छे ए नीचे 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 चाली जाय समुद्रमां अने वधारे प्रमाणमां जथ्थो गरम थाय। तो जाजू पाणी होय तो ए धीमे धीमे गरम थाय એટલે આપણે અહીંયા લખી દઈએ કે ધીમે ધીમે ગરમ થાય, પણ જમીનમાં એવું કંઈ પારદર્શિતા છે નહીં એટલા માટે ડાયરેક્ટ જમીન ઉપર જ્યારે ગરમી પડે, સૂર્યઘાત જ્યારે પડે તો ફટાફટ જમીન ગરમ થઈ જાય। આ બંને તફાવત તમારે યાદ રાખવાના। પછી પાણી ઉપરથી પાણી થોડું ચમકીલું હોવાથી, થોડું ચમકીલું છે એટલા માટે ત્યાંથી થોડું પરાવર્તન પણ થાય છે, સૂર્યઘાતનું પરાવર્તન પણ થાય એટલા માટે એ ગરમ ઓછું થાય પાણી। અને જે જમીન છે આ જમીન છે ત્યાંથી कोईपण प्रकारनी गरमीनुं परावर्तन थतुं नथी एटले फटाफट गरम थाय। तो आपणे एवा कन्क्लूजन उपर आव्या, बधा आपणे अभ्यास कर्यो एना उपरथी के जे पाणी छे आ पाणी धीमे धीमे गरम थाय। अने बीजुं आपणुं कन्क्लूजन ए छे के जे जमीन छे आ जमीन झड़पथी गरम थाय छे एटले आ पाणी अने जमीन आ बंने सूर्यघात आपणे जे सूर्यमांथी मळे छे, जे गरमी मळे छे एमां अगत्यनो भाग भजवे छे, एना वितरणमां अगत्यनो भाग भजवे छे। पछी छेल्लुं जे ए अगत्यनुं परिबळ छे सूर्यघातना वितरणमां भाग भजवतुं ए छे सूर्य कलंकोनुं प्रमाण। तो सूर्य कलंको सौप्रथम जोवा क्या मळे ए आपणे जोईए। तो आपणे एवुं कही शकीए के सूर्य कलंको सूर्य पर जोवा मळे छे। पछी सूर्य कलंको छे शुं? तो के सूर्य पर जोवा मळता काळा धाबाने जे काळा धाबा जोवा मळे छे एमने सूर्य कलंक तरीके ओळखवामां आवे छे। आना उपरथी आपणे एवुं कही शकीए के ज्यारे सूर्य पर सूर्य कलंकोनुं प्रमाण वधारे त्यारे पृथ्वी ने वधारे प्रमाण में गर्मी प्राप्त थाय छे। एटले खास याद राखजो के जेम सूर्य कलंको वधारे जोवा मळे सूर्य में एम पृथ्वी ने गर्मी नु प्रमाण वधारे मळे अने जेम सूर्य कलंको ओछा एम पृथ्वी ने गर्मी नु प्रमाण ओछू मळे। पृथ्वी ने उष्मा शक्ति जे सूर्य नी जे उष्मा शक्ति छे ए ओछी मळे। तो आ सूर्य कलंकोनुं जे प्रमाण सूर्य पर जोवा मळे छे ए पण सूर्यघातना वितरणमां अगत्यनो भाग भजवता होय छे। एटले आज आपणे आ मुद्दानी चर्चा करी। जो मित्रों तमने आ लेक्चर पसंद आव्यो होय तो जरूरथी आ नीचे जे कमेंट बॉक्स छे त्यां तमे कमेंट लखजो अने आ विडियो लेक्चरने जरूरथी लाइक करजो जेथी करीने अमारी जे एज्यु सफरनी जे संपूर्ण टीम छे एमनो उत्साह વધે। સૌપ્રથમ અહીં સબસ્ક્રાઇબ પર ક્લિક કરો, બાજુમાં આવતા બેલ જેવી નિશાની પર ક્લિક કરો। એજ્યુસફર ચેનલના તમામ વિડીયોના અપડેટ્સ આપના ફોનમાં મળતા રહેશે।